भगवान राम कृष्ण की एक अद्भुत कथा मुझे याद आती है। माँ काली का ध्यान करते थे, काली के बहुत बड़े उपासक थे। जब काली का ध्यान करते थे तो माँ काली की कल्पना करते थे, वो कल्पना साकार हो उठती थी और माँ काली उनको दिखाई पड़ने लगती थी। लेकिन ये सब कुछ मन की कल्पना का ही प्रक्षेपण था। एक दिन एक सन्यासी, संबुद्ध सन्यासी तोतापुरी आए और उन्होंने कहा, रामकृष्ण तुमने इतनी साधना की, आध्यात्मिक पुरुष हो, परमात्मा का परम आनंद का साक्षात अनुभव तुम्हारे लिए जरूरी है और इसके लिए ये जो लास्ट हिंड्रेंस, अंतिम बाधा है, जो माँ काली की प्रतिमा तुम्हारे ध्यान में आके बैठ जाती है, इस प्रतिमा से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें अखंड चेतना का, निर्विषय चेतना का, विषय रहित चेतना का अनुभव नहीं होगा और उस परम शांति परम आनंद का स्वाद नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम परम आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद का बोध करना चाहते हो तो जो काली की प्रतिमा तुम ध्यान में लाते हो उस प्रतिमा से मुक्त हो जाओ, उस प्रतिमा को हटा दो। उन्होंने कहा, क्या बात कहते हैं, मेरे लिए ये दुष्कृत्य संभव नहीं है। मैं माँ की प्रतिमा को हटाऊं, मैं माँ की प्रतिमा को खंडित करूं? उस सन्यासी संबुद्ध तोतापुरी ने, जो रामकृष्ण महाराज के गुरु हुए, उन्होंने कहा कि तब तुम जिंदगी में परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो अगर तुम इस प्रतिमा को नहीं हटा सकते हो तो। यही बाधा है, इस अंतिम बाधा से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। रामकृष्ण ने कहा, मैं हिम्मत करता हूँ लेकिन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। मैं अपनी प्रिय माँ काली की प्रतिमा को कैसे खंडित करूँ? उन्होंने कहा, जैसे कल्पना से तुमने इसे निर्मित किया है वैसे कल्पना से एक तलवार भी पैदा करो अपने ध्यान में और उस तलवार से इस प्रतिमा को खंडित कर दो, कल्पना की तलवार से। और तोतापुरी ने कहा कि तुम ध्यान में बैठो, तुम माँ काली का ध्यान करो और जैसे मैं तुम्हारे माथे को कांच से काटूं वैसे ही तुम प्रतिमा को अपनी कल्पना से गिरते हुए देखो, प्रतिमा को हटते हुए देखो। और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने इस प्रतिमा को अपने ध्यान से हटाया और प्रतिमा को ध्यान से हटाते ही ये अनंत ऊर्जा, परम आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव उनके प्राणों में बरस पड़ा। और ध्यान से उठने के बाद पहली दफ़ा रामकृष्ण ने कहा कि आज मुझे पहली दफ़ा उस परमानंद सच्चिदानंद का अनुभव हुआ, आज मैं गदगद हो गया और तोतापुरी के चरणों में पड़ गए। यह है ध्यान का अर्थ। तो जब मैं कहता हूँ ध्यान और प्रेम तो आप ध्यान से शुरू करेंगे, और मैं तो कहता हूँ दोनों को भी करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। अगर तुम ध्यान को पकड़ लोगे तो प्रेम अपने आप उमड़ आएगा आपके जीवन में, और अगर तुम प्रेम को पकड़ लोगे, प्रेम से शुरू करोगे तो ध्यान अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। लेकिन ये जो मैंने कहा है आपसे ध्यान और प्रेम का अभ्यास करने को, इसे रोज रोज करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो। हंसता हुआ आनंदित जीवन पाने का ये सबसे कारगर उपाय है, सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान और प्रेम। और इसको करने के लिए थोड़ा थोड़ा होश को संभालना पड़ेगा, रोज रोज आपको सिर्फ अपने होश को संभालना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं जब आपको मन की ज़रूरत नहीं होती है, उस समय आप मन को हटा दो। जैसे आप खाना खा रहे हो तो उस समय दुनिया भर का विचार करने की और मन के जालों में उलझने की क्या ज़रूरत है? जितनी देर खाना खा रहे हो उतनी देर सिर्फ खाना खाओ, थोड़ी देर को देखो, इतने में ही आनंद आपको बरसने लगेगा। जितनी देर नहा रहे हो उतनी देर सिर्फ नहाना हो जाओ, मन को हटा दो। अगर आप नदी में तैरने जा रहे हो, सरोवर में उतरने जा रहे हो, अपने कपड़े उतारो और मन को भी उतार के फेंक दो।
या आप बिस्तर पे थोड़ी देर को लेटने को जा रहे हो, रिलैक्स बिस्तर पे लेट जाओ 15 मिनट, अपने घर में अपने सोफे पे अपनी कुर्सी पे 15 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी देर मन को हटा दो, मन ए को हटा दो, थोड़ी देर संसार से कट ऑफ हो जाओ, वही ध्यान है। थोड़ी देर संसार की उलझनों से मुक्त हो जाओ, वही ध्यान है। अब वो 10 मिनट 15 मिनट का थोड़ा 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 करो। नए वर्ष पर बहुत लोगों ने बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, लेकिन सब लोग कहते हैं कि गुरुजी संकल्प तो लिया मैंने, पिछले साल भी लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही संकल्प टूट जाता है। आप आज भी जो संकल्प लेना चाहते हैं, आज सदगुरु को मुझे साक्षी मानकर एक संकल्प ले लें। मैंने कहा एक ही संकल्प लो, बेशर्त आनंदित जीवन जीने का संकल्प, और वो संकल्प छोटा सा लो, केवल आज के दिन का लो, कि आज से लेकर के इस समय से लेकर के रात बिस्तर पर सोने जाते समय तक आनंदित जीऊंगा, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, बाहर चारों तरफ कुछ भी हो रहा होगा, आग पानी आंधी तूफान कुछ भी हो, लेकिन मैं बिना किसी शर्त के आनंदित जीवन जीऊंगा। ये संकल्प इतना सा छोटा सा ले लो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जितना छोटा संकल्प लोगे उतना आप सरलता से पूरा कर लोगे। फिर कल सुबह उठो तो कल का संकल्प ले लो, और जब आप उसे पूरा कर लोगे तो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं तो इसे पूरा कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा मुरारी लाल की 3 बेटियाँ थीं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वाली साधारण सी देखने में थी, ना बहुत बुरी ना बहुत अच्छी, दूसरी काफ़ी साधारण थी, यानी थोड़ा कुरूप थी, काली थी, नाटी थी, मोटी भी थी, और तीसरी सोनिया नाम की लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी। मुरारी लाल उन तीनों बेटियों का ब्याह करने के लिए बहुत बेचैन थे। एक दिन एक नौजवान उनसे मिलता है, डिनर कराया, तीनों लड़कियों को मिलाया, फिर तीनों से पूछते हैं अलग ले जा करके कि भाई इन तीनों लड़कियों के ब्याह की चिंता मुझे बहुत हो रही है, आप बताएं आप इनमें से अगर कोई पसंद हो किसी से ब्याह करने को तैयार हो। उन्होंने कहा कि मैंने तो फैसला कर लिया है, लेकिन ज़माना ऐसा है कि मेरे घर वाले परिवार वाले कुछ दहेज की बात करेंगे, दहेज के बारे में आपका क्या विचार है। मुरारी लाल ने कहा मैंने दहेज का फैसला कर लिया है, दहेज की आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो उन्होंने कहा कि कितना दहेज दे देंगे। उन्होंने कहा भाई बड़ी वाली जो साधारण सी है, न बहुत अच्छी न बहुत बुरी है, उसके लिए तो मैं 5 लाख रुपया खर्चूंगा। दूसरी वाली जो है वो देखने में अच्छी नहीं है उतना, उसके लिए मैं 10 लाख खर्च कर दूंगा। और तीसरी वाली सोनिया जो है वो तो बहुत खूबसूरत है, आपने देखा ही होगा, उसके दहेज में मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। नौजवान बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ, उसने कहा कि मैं तो अवाक रह गया हूँ, जो लड़की आपकी इतनी सुंदर है उसका तो वैसे ही ब्याह हो जाएगा, उसके लिए आपको 15 लाख रुपए दहेज देने की बात क्यों सोच रखी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाऊँ, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी है, कुछ कुछ ऐसी है कि वो लड़की हमारी सबसे खूबसूरत है, लेकिन वो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी गर्भवती है। आपको हैरानी हो रही होगी कि थोड़ी थोड़ी गर्भवती है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और जब गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है एकाएक पता ही नहीं चलता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बच्चा पैदा हो जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें और एक विराट पुरुष में कोई अंदर नहीं रह जाता, सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो जैसे गर्भ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में ध्यान को अगर थोड़ा थोड़ा साधेंगे तो वो विराट
स्वरूप लेकर आपकी जिंदगी में प्रकट हो सकेगा। और अगर आप चाहेंगे कि हम एक एकाएक कर लें कोई बात, जैसे जो व्यक्ति 25 साल से सिगरेट पी रहा है, संकल्प लेता है नए वर्ष पर कि मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, वो जाता है अपने काम पर, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीतते हैं और उसको बेचैनी पकड़ने लगती है, काम में मन नहीं लगता है और सोचता है कि मैंने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर दी है, बड़ा अन्याय कर दिया है अपने साथ, मुझको ऐसा संकल्प लेना नहीं चाहिए था, ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए थी नए साल के दिन पर, और कहता है कि मैंने गलती की है, कोई बात नहीं, अब गलती को सुधार लेता हूँ, और तुरंत अपनी टेबल से उठता है, बाहर जाके सिगरेट की डिब्बी खोलता है और सिगरेट पी लेता है, और फिर यह संकल्प लेता है कि यह असंभव काम था, हमने असंभव काम करने का संकल्प ले लिया जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। जो काम आपको एक बार असंभव दिख गया फिर आप उसको कभी नहीं कर सकते हैं, और संकल्प छोटा होगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी कह के आज की बात समाप्त करता हूँ। एक चीनी राष्ट्रदर्शी दार्शनिक था, उसका नाम था मेंसियस। एक बार एक अफीमची उसके पास पहुँचता है और कहता है, मैं पिछले 32 सालों से अफीम खाता रहा हूँ और 32 सालों में सैकड़ों बार मैंने कोशिश की अफीम छोड़ने की, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जब भी मैं संकल्प करता हूँ मेरा संकल्प टूट जाता है, आप कोई उपाय बताएं, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। मेंसियस ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, उसने चाक का एक टुकड़ा अपनी जेब से निकाला और उस अफीमची को दिया, उसने कहा चाक के इस टुकड़े को इसमें से उतना टुकड़ा ले लो तोड़कर जितनी तुम अफीम खाते हो। उसने ले लिया और उसने कहा रोज रोज तुम अफीम खाना और इस टुकड़े के बराबर तौल लेना और इतनी अफीम तुम खाते जाना, मैं तुम्हें अफीम खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, रोज तौल लेना इस टुकड़े के बराबर जितनी तुम खाते हो, बस केवल इसी चाक से लिखते जाना, आज पहला दिन खाया तो एक लिख देना, कल दूसरे दिन खाया 2 लिख देना, परसों खाया 3 लिख देना, और रोज इसी के बराबर तौल कर खाते जाना। 30 दिन बाद, 1 महीने बाद रहस्यदर्शी मेंसियस वापस लौटता है और उस अफीमची से मिलता है। अफीमची उसको देखकर बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बड़ी चालाकी की, तुमने मुझे वो चाक दे दी, मुझे शुरू में पता ही नहीं चला कि रोज उस चाक से 1 2 3 लिखते लिखते वो चाक कम होती जा रही है और वो चाक 30 दिन में नहीं के बराबर हो गई थी और उसके साथ साथ मेरी अफीम की आदत भी छूटती चली गई और अब मेरी अफीम की आदत छूट चुकी है। धीरे 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 जैसे गर्भ पेट में बढ़ता है ऐसे रोज 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 ध्यान का अभ्यास करें, प्रेम का अभ्यास करें, जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने का अभ्यास करें, आपको हंसता हुआ जीवन मिले, इस आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने स्वामी रामकृपाल जी का महामेधा क्रिया वर्कशॉप अटेंड किए है। इस वर्कशॉप से मुझे बहुत सारे लाइफ में चेंजेस हुए, मेरा मेमोरी बहुत बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे अंदर की शक्तियाँ खुलने लगी, मैं पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया। ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस क्रिया करने से। पहला, मेरी आँखों के नंबर कम हो गए, दूसरा मेरा ग्रास्पिंग पावर बढ़ा है, तीसरा मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है मुझ में और आई एम अबोव ऑल ऑफ दी माय कलीग्स एंड ऑल दैट। जो क्रिया है महामेधा क्रिया, ये डेफिनेटली इसके सारे स्टेज हमारे इनर और आउटर क्लीनेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये स्टेप बहुत ही लाभकारी होंगे हर एक के लिए। महामेधा क्रिया
is so helpful that it oxygenates your brain, and due to oxygen you get a lot of freshness, which is really helpful for a student life. So I can say Maha Medha Kriya is totally perfect for students, and otherwise also it's totally perfect. So you can really achieve peace of mind due to Maha Medha Kriya. Maha Medha Kriya ka palan kiya to meri nazar mein is prithvi par aisi koi kriya nahi hai jo itne kam samay mein aadmi ki zindagi mein itna bada parivartan la sake. गुरुजी की महामेधा क्रिया तो अपने आप में एक अद्भुत क्रिया है. इस क्रिया का प्रयोग करके हजारों लाखों लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं. मेरा तो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सभी इस महामेधा क्रिया का उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं. मैं मिसेस चक्रवर्ती ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ. मैंने गुरुदेव जी की महामेधा क्रिया वर्कशॉप अटेंड की हूँ और इस वर्कशॉप करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ. आई फील वेरी रिलैक्स्ड व्हेन आई डू दिस क्रिया. It takes me out of stress. Guruji is a great divine person. I could feel a great positive energy in him. Improve us to make us very stress free and to gain an inner strength and positivity that is so very much required today. Inka ek ek vakya many many billions dollar value hai. Many many billions dollar. Aaj jahan bhagwa vastra ke piche लोग सत्ता पद धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ इन्होंने झुग्गी झोपड़ी के लिए, झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है. ये टेक्निक्स जितनी भी उन्होंने बताई हैं बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, उससे जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, और अगर इनको प्रैक्टिस किया जाए तो जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है वो अच्छी हो सकती है. आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से. झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन का लक्ष्य है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना. किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं. इस तरह भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने या फिर जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या व्यवस्थावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं. इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है. इसलिए झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर के उन बच्चों के लिए जो किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उच्च कोटि के विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा के साथ साथ महामेधा क्रिया के माध्यम से ध्यान और प्रेम की संजीवनी उपलब्ध कराते हुए उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है. हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा. गाजियाबाद शहर के साइंस डिवाइन फाउंडेशन में ये संकल्प पूर्णतः साकार हो रहा है, जिसके लिए आपका सहयोग वांछित है. इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है.